नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तीन चीजें देख लेने से पुरुष कभी गरीब नहीं रहता। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह तीन चीजें देख लेता है, वह कभी ना तो मुसीबत में पड़ता है और ना ही गरीब रहता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पत्नी की ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो पुरुष अपनी पत्नी का देख लेता है तो वह ना किसी मुसीबत में पड़ता और ना ही गरीब रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान और सतर्क नहीं रहता, वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावधान पागल मूर्ख शराबी और लापरवाह लोग अधिकतर विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी और अपनों के प्रति सावधान रहना चाहिए तो वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। व्यक्ति को अपनी पत्नी और पुत्रों के प्रति सदैव हंसते रहना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर चल नहीं चल पड़े। कहते हैं कि एक बार जब इंसान गलत रास्ते पर चल जाता है तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, उसे सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक महान सज्जन और ईमानदार व्यापारी रहता था। वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उनके दिन बहुत सुख से कट रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी के बीच कलेश नहीं होती, वह घर स्वर्ग बन जाता है। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच अटूट प्रेम और एकता देखकर गांव के अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। दोस्तों, इस दुनिया का यही स्वभाव है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो भी कुछ लोग आपके खिलाफ होंगे और अगर आप बुरा करेंगे तो भी कुछ लोग आपके खिलाफ होंगे। इस लोगों को किसी का अच्छा खाना, किसी का अच्छा हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता, अधिक तरक्की करते नहीं देख सकते। व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में थी। जब भी किसी के घर में कला होती थी तो वह व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देता था। अच्छे लोग हमेशा जीवन में दुख और परेशानियां क्यों पाते हैं? आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि आजकल सच्चाई और अच्छाई का जमाना नहीं है, इसलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने में कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही है। हमने तो कोई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें केवल दुख ही मिलता है और जो लोग अधर्मी और पापी हैं, वह सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जरा सोचिए कि अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो समस्त संसार में अधर्म का अंधकार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, दोस्तों हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण देकर आपकी इस गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे। सुख और दुख की परिभाषा देखिए। सबसे पहले तो आपको सुख दुख को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपकी नज़र में धन दौलत त्रिपुत्र मान बढ़ाए और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना ही सुख है तो फिर आपके लिए इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जिन भौतिक सुखों को जीवन का सुख समझ रहे हैं वह वास्तव में एक धोखा है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस धोखे से बाहर निकलने के बाद ही आपको परम सुख की अनुभूति हो सकती है। आप सांसारिक सुखों को जीवन का उद्देश्य बना बैठे हैं, जबकि आपके जीवन का मूल्य चीजों से कहीं ज्यादा बढ़ा है। इस संसार में अनेकों महापुरुष हुए हैं
जिन्होंने धर्म पालन के लिए जीवन भर दुखों का सामना किया। आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ कुछ महापुरुषों के कठिन जीवन का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनी या जरा सोचिए कि अगर जीवन में भौतिक सुखों का इतना ही महत्व होता तो भगवान राम रांची सुख को छोड़कर अपने स्वधर्म पालन के लिए वनवास का दुख क्यों सहन करते? क्या आपका दुख भगवान राम से भी बड़ा है? जरूर यह व्यापारी मेरी तरह गंभीर और शांत है, इसी समझ के कारण दोनों के बीच सामंजस्य बना रहता है। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच प्रेम को लेकर राजा और रानी के बीच तीखी बहस होने लगी, धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगी। राजा और रानी का प्यार व्यापारी के प्यार की भेंट चढ़ने लगी। अपनी बात पर अड़ी रही और रानी कह रही थी कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान होती है और राजा कह रहा था कि पुरुष अधिक बुद्धिमान होते हैं। रानी कह रही थी कि व्यापारी की पत्नी में अवश्य ही मेरे खून है और राजा कह रहा था कि वह व्यापारी अवश्य ही मेरे जैसा बुद्धिमान है। इसी बात को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजा रानी के बीच बहस होते हैं। उनके एक सेवक ने कहा, महाराज आपस में बहस करने से बेहतर है कि दोनों की परीक्षा ली जाए। आपस में विवाद करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। दर्शकों, राजा को नौकर की बात समझ आ गई। उसने तुरंत उसी नौकर से कहा कि तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम सुबह सुबह उस व्यापारी के पास जाओ और उससे कहो कि है व्यापारी, राजा ने तुम्हें एक प्रस्ताव दिया है, यदि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दोगे तो राजा तुम ही सोने चांदी हीरे मोतियों से मालामाल कर देंगे और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो राजा तुम्हें आधा राज्य दे देगा। फिर दर्शकों, राजा के सेवक ने जाकर व्यापारी को वही बातें बताए। राजा का संदेश सुनकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। व्यापारी ऊंचे स्वर से कहने लगा, दे राजसेवक, जाकर अपने राजा से कहो कि भले ही वह मुझे पूरे राज्य का राजा बना दे, लेकिन व्यापारी यह काम नहीं करेगा। एक राजा का संपूर्ण राज्य भी एक मनुष्य के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए सैकड़ों साम्राज्य का त्याग कर सकता हूँ। व्यापारी का उत्तर सुनकर राजा का सेवक राजा के पास लौट आया और व्यापारी ने जो कुछ कहा था वह आकर राजा को बता दिया। व्यापारी का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रानी से कहा, देखो रानी, व्यापारी बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए इतना बड़ा राज्य भी ठुकरा दिया, उन्होंने इतने बड़े राज्य को भी अस्वीकार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि व्यापारी बहुत अच्छा और बुद्धिमान है। रानी कहती है, महाराज ठहरी है, मैं भी व्यापारी की पत्नी की परीक्षा देती हूँ। इतना कहकर रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे प्रशिक्षित करके व्यापारी की पत्नी के पास भेज दिया। रानी की दासी व्यापारी के घर गई है, उसने देखा कि व्यापारी इस समय काम से बाहर गया है तो अवसर पाकर दासी व्यापारी की पत्नी के पास गई और बोली, बहन, राजानी मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपने पति को जहर देकर मार दोगी तो राजा तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपना प्रियतम बनाकर रखेंगे, राजा तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगा और हाँ, तुम आज रात अपने पति को मार डालो और अपने महल के ऊपर चल रहे दीपक को बुझा दो, तब राजा साहब समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार डाला है। प्रिय दर्शकों, दासी द्वारा दिखाए गए प्रलोभन को सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो अपने पति से कभी प्रेम था ही नहीं, छत के ऊपर दिया तुम्हें इसलिए जला दी थी ताकि सबको लगे कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, सच्चाई तो यह है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, मैं तो कब से इस घर से निकलना चाहती थी पर आज भगवान ने मेरी बहुत इच्छा पूरी कर दी। यह बात व्यापारी की पत्नी को बताने के बाद झांसी रानी के पास लौट आए और उसे सारी कहानी बताएं। यह सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा। उस समय रानी का मुख देखने योग्य था। रानी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। जब रानी ने यह बात राजा को बताए तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर व्यापारी के घर भेजा और कहा कि आज रात व्यापारी की पत्नी अपने पति को मार डालेगी, आप सभी उस घर पर नजर रखें, जब व्यापारी के घर का दीपक जाए तो समझ ले कि वह व्यापारी को मारने वाली है, उससे पहले तुम लोग उसके घर जाना
और व्यापारी को बचा लेना तथा उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेना। हम नहीं चाहते कि हमारे परीक्षण के कारण व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़े। दर्शकों की बात सुनकर सिपाहियों ने वैसा ही किया। राजा की सलाह के अनुसार वह व्यापारी के घर के पास जाकर पहरा देने लगा। इसी बीच में व्यापारी की पत्नी ने खाने में जहर मिलाकर अपने पति की हत्या कर दी। रात को जब उसने दीपक बुझाया तो सिपाही उसके घर की ओर दौड़े तो देखा कि व्यापारी वहां मृत पड़ा है। सिपाहियों ने यह समाचार राजा को दिया तो राजा दौड़े आए। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि राजा साहब मुझे बुलाने आए होंगे। राजा ने देखा तो व्यापारी मृत पड़ा था। राजा ने पूछा, तुम रात को अपने पति को मारने जा रही थी, लेकिन तुमने तो इसे दिन में ही मार डाला। व्यापारी की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे तो उसे मारना ही था, इसलिए मैंने दिन में ही उसे मार डाला और रात को दीपक बुझा दिया। व्यापारी की पत्नी की बातें सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। राजा ने व्यापारी की पत्नी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। राजा लौटकर अपनी रानी के पास जाता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि सौदागर की स्त्री मेरे उन विचारों की है, क्या तुम्हारे अंदर भी यही गुण तो नहीं? प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानती थी कि कुछ प्रिया ऐसी भी होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, कहानी का यह है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो या पति पुरुष को। इन तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में साथ न दे, उससे दूर रहे, तो वह महिला अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की इन बातों पर रिश्ते बनाए रखें, तो वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। पहली बात, उसके ना होने पर उसकी स्त्री दूसरों के घरों में बैठने तो नहीं जाती है। अक्सर कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं से बातचीत में अपने परिवार की कुछ निजी बातें शेयर कर देती हैं। वह अपने घर के राज दूसरी महिलाओं को बता देती है, जिससे अन्य लोगों को उसकी कमजोरी के बारे में आसानी से पता चल जाता है और वह हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। पुरुषों को यह जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात यह कि स्त्री को अधिक समय तक अकेला न थोड़े यात्री को पुरुषों के बीच अधिक समय तक अकेले न रहने दें। अगर आपको ऐसा करना ही है तो छुपकर उस पर नजर रखें। ऐसा करने से महिला पूरे पुरुषों के चंगुल में नहीं पटेगी। नंबर तीन की गतिविधियों पर हर समय नजर रखें। आपकी अनुपस्थिति में वह अकेली होती है तो कहाँ जाती है, क्या करती है? यदि स्त्री भटकती है तो इस बात के लिए भी पुरुष जिम्मेदार है कि वह अपने घर की किसी मूल्यवान वस्तु या व्यक्ति पर इतना लापरवाही कैसे हो गया। उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।